सबसे बढ़कर माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं, हम अभी भी 20वीं सदी में, क्या कहोगे इस पर सहमत कि मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है लोगों का? उसकी वजह इसी तरह यही कि आज भी ना हमारे यहाँ वही मैनेजमेंट थ्योरीज और वही लोग क्वालिटी पे काम करने पे लगे हुए हैं, एक्सेलेंस हमारे आज भी लोगों के अंदर नहीं है। अच्छा, सारा ब्लेम इकोनॉमी या मैं सोसाइटी को, सोसाइटी लोग बनाते हैं, सोसाइटी में मैं और आप सोसाइटी बनाते हैं, हम लोग ब्रांड्स क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि लोगों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को भी थोड़ी सी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क में रहते हुए लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत हैं, हमारे बहुत से लोग बातें बहुत कर रहे हैं, बट लेट्स सपोज उन्होंने मुल्क के लिए क्या करना है, थोड़ा बहुत इनिशिएटिव्स। मिसाल के तौर पर पहले मिसाल हम देखते थे कि शरीफ हुआ है जिसको मौका नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली नौजवानों में बात ये अब हो गई है कि जो पाकिस्तान में, इसका मतलब वो इतना नाकारा, इतना फजूल टैलेंट है कि उसको कहीं मौका नहीं मिल रहा। अब हमारे यहाँ नौजवान इस रेस में हैं कि कौन कितनी जल्दी कितने बड़ी जगह पे पहुंच पाते हैं, एंड दे हैव नो क्राइटेरिया एज सच। दे आप यूरोप भेज कराने का जो लड़का है उस पर फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ बहुत ज्यादा है। सबसे मेजर सर्वे, इसी सर्वे को जब मैं फर्दर और भी पढ़ रहा था तो उसमें मुझे मेजर जो नजर आ रहा था वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। पाकिस्तान में जब लड़का ग्रेजुएट कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, 10-20 लाख रुपए वालदेन उसकी एजुकेशन पे लगा रहा है, अगर देखा जाए तो लड़कों के एजुकेशन पे वालदेन पाकिस्तान में ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं नस्बतन लड़कियों की, क्योंकि यहाँ पे तो जल्दी शादियों का कॉन्सेप्ट अभी भी वो चीज़ रवायत है। तो डेफिनेटली जब वालदेन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करें कि हमारे घर को संभालेगा, अपनी बहनों की शादी कराएगा, उन मसलों को हल करेगा। लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, एचआर हमारे साथ बैठा हुआ, तो वो पे आउट्स नहीं है जो नस्बतन बाहर हैं। एंड बहुत से लोगों के रिश्तेदार ऑलरेडी बाहर हैं, वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे कहाँ पहुँच गए, वो देखो वो कहाँ पे सेट हो गया। सो एक पीयर प्रेशर बिल्ट हो रहा है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि भैया बाहर शिफ्ट करो। फाइनेंशियल एक बहुत मेजर रीज़न है। सेकेंड, सिक्योरिटी इशूज भी हमारे मुल्क में किसी हद तक राइज हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कहते ना किसी का एक बेटा ही था, वही चला गया दुनिया से, तो उसके घर की जिम्मेदारियाँ सारी उसी पर बेस करती थी, बाप का टोटल असासा ही वो।